नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। ई लेक्चर के इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BCD एडर, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर के सब्जेक्ट EE 201 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 9 कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ये आता है, तो आज हम इसको डिस्कस करने हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, साथ ही इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं BCD एडर। तो सबसे पहले जानते हैं कि BCD एडर के लिए BCD कोड्स क्या होते हैं। BCD कोड बेसिकली 4 बिट के बाइनरी नंबर है, जो कि सिंपलेस्ट बाइनरी कोड है किसी भी डेसिमल डिजिट के लिए। हमारे पास में टोटल 10 डेसिमल डिजिट्स है, 0 से लेकर 9 है, उनकी वेटेड कोडिंग की गई है बाइनरी नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ये एक प्रकार का वेटेड कोड है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है 8421 की सहायता से। और टोटल 10 डेसिमल नंबर होने के कारण टोटल वैलिड जो BCD कोड्स होंगे वो भी टोटल 10 ही होंगे। चूँकि डेसिमल 9 के बाद के जो नंबर है 10 to 15, क्योंकि 4 बिट से मैक्सिमम डेसिमल 15 को एड्रेस किया जा सकता है, तो 10 से 15 तक के जो 4 बिट के नंबर है वो इनवैलिड हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो टोटल इनवैलिड कोड्स हो जाएंगे 6 1010 से लेके 1111। साइड की टेबल में आप देख पा रहे हैं डेसिमल 0 से लेके डेसिमल 9 तक के वैलिड BCD कोड्स को यहाँ पर दर्शा रखा है। यदि डेसिमल 9 के बाद का कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 10 11 12, इनको BCD कोडिंग करनी है, तो इसकी प्रत्येक डिजिट को उसके इक्विवेलेंट BCD कोड से रिप्लेस करके करेंगे। आइए हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम समझें कि कन्वर्जन और कोडिंग में क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है डेसिमल 12। इसको यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, जो कि 4 बिट में कन्वर्ट होगा, तो 1100 इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हो जाएगा। बट जबकि यदि इसको BCD कोड की सहायता से हमें रिप्रेजेंट करना हो, तो 2 के लिए एक BCD कोड 0010 और 1 के लिए सेपरेट BCD कोड हमें क्या कहते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो उस हिसाब से ये 12 डेसिमल का BCD कोड हो जाएगा, टोटल 8 बिट का हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखें कि ये 4 बिट के जो नंबर है इनको यदि हम ऐड करें, तो हमारे पास में दो प्रकार के सम मिलते हैं। एक हमें मिलेगा बाइनरी सम और दूसरा होगा BCD सम। और देखते हैं कि बाइनरी सम BCD सम से कैसे अलग है। क्योंकि यदि दो 4 बिट नंबर लिए और उनका बाइनरी सम यदि हमने किया और वो लेस देन और इक्वल टू 9 है, तब उस केस में BCD सम और बाइनरी सम दोनों ही सेम होंगे। बट यदि उन दोनों का सम 9 से एक्सीड कर जाएगा, 9 से ज़्यादा हो जाएगा, लेट से 10 हो गया या 11 हो गया या ऑनवर्ड्स कुछ भी हो गया, उस केस में हमारे पास में कोई वैलिड BCD कोड नहीं होने के कारण प्रत्येक डिजिट को हमें उसके इक्विवेलेंट BCD कोड से रिप्लेस करना होता है। तो उस केस में ग्रेटर देन 9 के केस में जो BCD सम होगा वो बाइनरी सम से डिफरेंट होगा। आइए इसके लिए हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो माना कि दो 4 बिट के नंबर है ए और बी, A3 A2 A1 A0 और बी नंबर है B3 B2 B1 B0। चूँकि हम यहाँ पर डेसिमल नंबर को यूज कर रहे हैं, तो ए और बी 0000 से लेके 1001
मीन्स डेसिमल 9 के बीच में परिवर्तित हो सकते हैं, और यदि इन दोनों नंबर का सम किया जाए तो वो मैक्सिमम 9, मीन्स यदि ए का मान डेसिमल 9 हो, बी का मान डेसिमल 9 हो, और यदि कोई प्रीवियस कैरी आ जावे तो उस केस में मैक्सिमम 19 के बीच में वेरी कर सकता है। आइए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से ए इज इक्वल टू डेसिमल 7 और बी इज इक्वल टू डेसिमल 8, इन दोनों का हमने एडिशन परफॉर्म किया, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका बाइनरी सम क्या होगा। तो इन दोनों का बाइनरी सम हो जाएगा आपके 1111। अब चूंकि ये बाइनरी सम है जो कि 4 बिट नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता है, बट इनका जो बीसीडी सम इनवैलिड है क्योंकि यह कोड वैलिड नहीं है। अब इस इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में करने के लिए हमें एक करेक्शन के रूप में +6 को ऐड करना पड़ेगा, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0001 0110 है। इसको इसमें ऐड करने पर हमारे पास में एक कैरी जनरेट हो जाएगी, और उसके आगे यदि हम 3 जीरो लगा देंगे तो एक वो 4 बिट का नंबर हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास में बी सी डी सम आ जाएगा 3×01 0101। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों नंबर का बाइनरी सम जो कि 4×1 है, बट जब बी सी डी सम एकदम ही अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 9 के लिए बाइनरी सम और बी सी डी सम दोनों ही अलग होंगे, और बाइनरी एडर से यदि हमें बी सी डी एडर बनाना है तो हमें एक करेक्शन की आवश्यकता होगी। हम कह सकते हैं कि जब कभी भी दो बाइनरी नंबर का सम बाइनरी 9 से अधिक हो तो उसमें बाइनरी 6 को जोड़कर उसे वैलिड बी सी डी बनाया जाएगा। अब इस करेक्शन को समझने से पहले हमने जो अभी तक डिस्कस किया था कि इन दोनों का सम मैक्सिमम 19 हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बी सी डी सम और बाइनरी सम की टेबल का निर्माण करते हैं, और उस टेबल को समझने के बाद में हम एक करेक्शन लॉजिक एक को डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो टेबल। इस टेबल को थोड़ा सा पहले मैं दिखा देता हूँ कि यह टेबल के दो पार्ट है। अपर हाफ में 0 से 9 के बीच में डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, और बॉटम हाफ में 10 से लेके 19 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इस टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस टेबल में 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में डेसिमल नंबर शो कर रखा है। यदि इन डेसिमल नंबर्स को ऐड करें इनके बाइनरी इक्विवेलेंट से तो एक हमें बाइनरी सम मिलता है जो दूसरे कॉलम में शो कर रखा है, और तीसरे कॉलम में हमने बी सी डी सम को शो कर रखा है। बाइनरी सम को हमने निरूपित किया है S0-S1-S2-S3-C से, और बी सी डी सम को S0-S1-S2-S3 और कैरी C से। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि S0-S1-S2-S3-S0-S1-S2-S3 के कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये जस्ट यहाँ पर नोटेशन के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। तो इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो 0 से लेकर 9 तक के यदि नंबर का एडिशन परफॉर्म किया जाए तो उनके बाइनरी सम और बी सी डी सम दोनों ही सेम आ रहे हैं, जैसा कि इस टेबल में दर्शाया गया है। चलिए अब आइए ये डिस्कस करते हैं इसके लोअर हाफ में जो कि 10 से लेकर 19 तक के बीच का है। तो हम देखते हैं कि यदि सम, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था 7 और 8 का जो सम आया था वो 15 आया था 4×1, बट उसका जो बी सी डी सम आया था वो 10101 से था जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी सम 10 से लेके 19 के बीच में बी सी डी सम में जो कैरी वाला सेगमेंट, कैरी बिट है, वो हमेशा क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैरी 1 किस किस केस में जनरेट होती है, और यही हमें एक करेक्शन लॉजिक देगी। तो
डेसिमल 10 की रो को यदि देखें, डेसिमल 10 और डेसिमल 11 की लाइन को हम ऑब्जर्व करें तो S3 डैश और S1 डैश जब जब 1 है, इन दोनों के प्रोडक्ट से एक 1 जनरेट होगा, उसमें ये कैरी 1 आ रही है और कोई कॉम्बिनेशन से कैरी 1 जनरेट नहीं हो सकती है। साथ ही देखें डेसिमल 12, 13, 14, 15 के केस में यदि S3 डैश और S2 डैश का प्रोडक्ट करें तो उस केस में हमें 1 जनरेट होता है। मींस यदि ये कंडीशन फुलफिल हो उस केस में हमें कैरी 1 मिल जाएगी। उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे क्या कहते हैं हम कैरी को 1 जनरेट कर सकते हैं। या फिर 16 से लेकर 19 के बीच में सी डैश कैरी जो है वो 1 हो तो हमें कैरी सी 1 मिलेगी। मींस हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमने येलो सर्किल से, ब्लू बॉक्स से, रेड बॉक्स से जो तो हाईलाइट कर रखा है, इससे हम एक करेक्शन लॉजिक डिराइव कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जब जब बाइनरी सम की कैरी 1 हो या S3 डॉट S2 डैश 1 हो या S3 डॉट S1 डैश 1 हो, उस केस में BCD सम की कैरी हमेशा 1 जनरेट होगी। और यदि BCD सम की कैरी 1 जनरेट होती है, इसका मतलब बाइनरी सम में हमें एक करेक्शन के रूप में +6 को ऐड करना है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम एक करेक्शन लॉजिक डिराइव कर रहे हैं। तो C=C-S3-S2-S2-S1- यह एक करेक्शन लॉजिक हमें मिल गया। इसका मतलब है कि जब सी 1 होगा तब हमें बाइनरी 6 को ऐड करना है, अन्यथा कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए इस BCD एडर को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 बिट नंबर लिए, बी और ए, B0, B1, B2, B3 और A1, A0, A1, A2, A3 और इनपुट कैरी यदि कोई प्रीवियस है तो उसके साथ में लेके इसको एक 4-बिट एडर में हमने इसको ऐड कर दिया, तो उसका आउटपुट एक बाइनरी सम के रूप में S0-S1-S2-S3- और आउटपुट कैरी C- हमें मिल गए। यदि यहाँ पर देखने लगे ये बात है कि यदि आपका बाइनरी सम लेस देन और इक्वल टू 9 है तो उस केस में यही बाइनरी सम आपका BCD सम के बराबर हो जाएगा और आगे कोई करेक्शन सर्किट की आवश्यकता नहीं है। बट हम देखते हैं कि यदि 2 4-बिट नंबर है तो उसका बाइनरी सम ग्रेटर देन भी 9 हो सकता है, तो उस केस में हमें करेक्शन सर्किट चाहिए। देखते हैं कि वो करेक्शन सर्किट क्या होगा। इस बाइनरी सम को अगेन एक और 4-बिट नंबर में ऐड किया। अब उस 4-बिट नंबर में हमें एक और 4-बिट नंबर चाहिए, तो वो 4-बिट नंबर जब सम ज़्यादा हो 9 से तो उस समय 0110 के रूप में हमें ऐड करना होता है। वो हमें कैसे मिलता है वो देखते हैं। तो इस करेक्शन लॉजिक को यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो S3 डैश और S2 डैश से आउटपुट को हमने एक एंड गेट से पास किया, फिर S3 डैश S1 डैश से ए आउटपुट को दूसरे एंड गेट में पास किया और उन दोनों का आउटपुट अलोंग विथ कैरी सी डैश एक और गेट के अंदर इनपुट दे दिया। जब जब इस और गेट का आउटपुट 1 होगा तब यह 1 एंड इस 4-बिट नंबर में इसकी जो मिडल की 2 बिट है LSB और MSB को छोड़ के वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और 0110 जो कि बाइनरी 6 है के रूप में इस बाइनरी सम के साथ में ऐड होके हमें आउटपुट दे देगा BCD सम S0 S1 S2 S3।
और ये कैरी वन है ही, तो ये भी एक बी सी डी सम के रूप में आ जाएगी। तो ये फाइनली हमारे पास में सी एस थ्री एस टू एस वन एस जीरो एक बी सी डी सम मिल जाएगा। एक और केस की बात करते हैं कि जब नंबर छोटे हैं और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है, सी डैश जीरो है, बाकी सारे भी एस थ्री डॉट एस टू डैश और एस थ्री डॉट एस वन डैश भी जीरो आ जाएंगे, उस केस में इस और गेट का आउटपुट भी जीरो हो जाएगा और यह जीरो मिडिल की दो बिट पे कनेक्ट हो जाएगा। उस समय यह फोर बिट नंबर फोर टाइम्स जीरो हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। मीन्स उस समय वैसे भी हमें कोई करेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम देखेंगे कि किसी भी नंबर में फोर टाइम्स जीरो नंबर ऐड करने पर उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स उस समय बाइनरी सम और बीसीडी सम दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने ये जाना कि बाइनरी एडर में कैसे करेक्शन लगाकर उसे बीसीडी एडर बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, आपके कन्वेंशनल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आने वाले मेन एग्ज़ाम्स में आप इसे बार बार देखें, पहुँच करके इसके ये टेबल्स को, इसके डायग्राम्स को अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। यदि आपको वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।